अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। चिकन टिक्का तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे। आज मैं चार फ्लेवर में चिकन टिक्का रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आइए देखते है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये चिकन टिक्का आपके लिए बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ली 300 ग्राम चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ये बगैर हड्डी का होता है। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट की हूं। यहां पे लियो मैंने चार फ्लेवर के लिए चार तरीके के मसाले। ये लियो मैंने ग्रीन चिकन के लिए, ये है पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची का फाइन पेस्ट। यहां पे लियो मैंने 1 पिंच कस्तूरी मेथी। यहां पे लियो मैंने धनिया पाउडर। यहां पे लियो मैंने नमक। यहां पे लियो मैंने जीरा पाउडर। ये लियो मैंने चाट मसाला। ये लियो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 पिंच के करीब धनिया गरम मसाला। ये लियो मैंने योगर्ट मैंने हैंकर्ट योगर्ट लियो। इसे हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, इसे हम एक मलमल के कपड़े में बांध कर 2 से 3 घंटे रखेंगे और फिर यूज करेंगे। ये लियो मैंने रेड कलर के चिकन के लिए, रेड टिक्का के लिए रेड चिल्ली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिंच रेड कलर का। ये लियो मैंने कस्तूरी मेथी। ये लियो मैंने चिकन मसाला। ये लियो मैंने चाट मसाला। ये लियो मैंने जीरा पाउडर। ये लियो मैंने धनिया पाउडर और यहां पर भी लियो मैंने दही। ये देखिए, ये लियो मैंने येलो कलर के चिकन के लिए, यहां पे लियो मैंने चाट मसाला। ये लियो मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने थोड़ा ज्यादा ही रखे इसमें। ये लियो मैंने गरम मसाला। ये लियो मैंने नमक। ये लियो मैंने धनिया पाउडर। यहां पे लियो मैंने बहुत ही थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। ये लियो मैंने जीरा पाउडर। ये लियो मैंने दरदरी कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिरी और ये है दही। ये देखिए, ये लियो मैंने व्हाइट चिकन के लिए, ये है घर की फ्रेश मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, जैसे कि अमूल वगैरह का। ये लियो मैंने दही। ये लियो मैंने चीज आप कोई भी ले सकते हैं। ये लियो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। ये लियो मैंने चाट मसाला। ये है गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा लियो मैंने। ये लियो नमक और ये ग्रीन चिल्ली का पेस्ट और यहां पर लियो मैंने बटर। बटर हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, बाकी सब में हम ऑयल ऐड करेंगे। आइए अब इसे मिक्स कर लें। आइए अब हम व्हाइट चिकन का मैरिनेशन तैयार करते हैं। सभी मसाले हम एक साथ इसमें डाल देंगे, बटर, ग्रीन चिल्ली, गरम मसाला, चाट मसाला, सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने सभी मसाले अच्छे से डाली हूं और अब हम इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। इसमें हमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। इसमें आप चाहे तो काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाली हूं। आप चाहे तो व्हाइट पेपर का पाउडर ऐड कर सकते हैं, मैंने वो भी नहीं डाली हूं। मैंने यहाँ पर उसकी जगह ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल किया, ये देख सकते हो आप। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने व्हाइट मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूं और ये चिकन के पीसेस, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रीज में मैरिनेशन के लिए रखना है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स किए हैं। अब हम आइए दूसरा मैरिनेशन कहलाते हैं। ये देखिए, ये लियो मैंने रेड मैरिनेशन का सभी मसाला। अभी हम इसे इस बाउल में ऐड करते हैं। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं हल्का सा लेमन जूस डालूंगी और चिकन डाल के मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, अब मैं इस ये थर्ड वाला ग्रीन मैरिनेशन तैयार करती हूं। सभी मसाले मैं एक साथ मिक्स कर लूंगी।
ग्रीन कलर में अगर आपको और ग्रीन चाहिए तो आप इसमें पालक की प्यूरी भी डाल सकते हैं या फिर ग्रीन जो फूड कलर होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ धनिया और पुदीने के कलर से ही इसे मैरिनेशन कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, ग्रीन पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। आइए अब हम येल्लो वाला करते हैं। येलो वाले मैरिनेशन में हम एक टीस्पून भर के मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। व्हाइट मैरिनेशन में हमने मस्टर्ड ऑयल हमें गरम करके उसे ठंडा कर लेना है, वरना उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हमें उसे वैसे ही यूज करना है। ये देख सकते हो आप, हमारा येलो मैरिनेशन भी अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें भी हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा कितने अच्छे से येलो मैरिनेशन रेडी हो चुका है। ग्रीन मैरिनेशन में मैं सादा वेजिटेबल ऑयल डालूंगी और रेड मैरिनेशन में भी मैं सादा वेजिटेबल ऑयल एक एक। ये देखिए हमारे चारों चिकन के मैरिनेशन अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके की टूथपिक के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, हम एक एक पीस लेकर इस तरह से टूथपिक में लगाते जाएंगे। मसाला निकल जाता है तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में जब ग्रिल करेंगे तब इस पे इस तरह से फैला देंगे। आपके पास अगर टूथपिक ना हो तो आप इसे डायरेक्ट भी तवे पर फ्राई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से, मैं एक टूथपिक में सिर्फ 3 पीस ऐड कर रही हूं। आइए इसी तरह से हम सभी कलर के सभी मैरिनेशन वाले चिकन को लगाते और आपको दिखाते। ये देखिए, हमने सभी चिकन को अच्छे से टूथपिक पे लगाए हैं। अब हम इसे एक पैन गरम करने रखे थे, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के आसपास ऑयल डाली हूँ। पैन हमारा अच्छे से हीट कर रहा है, इसमें मैं ये एक एक रखती हूँ। हम थोड़े थोड़े गैस पर रखेंगे वरना हमारा चिकन का कलर एक दूसरे को लग जाएगा। इसे हम 2 से 3 मिनट तक बिना हिलाए एक साइड से होने देंगे, फिर हम हिलाते हुए इसे सभी साइड से पलटते हुए टर्न करते हुए पका लेंगे गोल्डन कलर तक। बताती हूँ आपको, ये देखिए हमने एक साइड से पलटते हुए इसे दूसरे साइड टर्न किए। हमें इसे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करते हुए पकाना है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले फ्री में। ये देखिए, अभी हम इसकी फिर से साइड पलटते हुए इस तरह से इसे पका लेंगे। हमें इसे चारों साइड से टर्न करते हुए पकाना है। आइए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, हमने इस तरह से ग्रिल कर चुके हैं। अब हम इसे हल्का सा गैस पे रोस्ट करेंगे। ये देख सकते हो आप, इस तरह से हम इसे मीडियम आंच पर हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। ज्यादा फास्ट पे हमें नहीं करना है, इसी तरह से हम सभी को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आइए, ये देखिए हमारे चारों कलर के टिक्कास रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।